नमस्कार एंड वेलकम फ्रेंड, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इसे सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन अवश्य प्रेस करें, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो के इन्फॉर्मेशन आपको मिलता रहे। आज मैं आपको एडोबी पेज मेकर 7.0 के अंदर यह बताऊँगा कि कैसे हम लोग अपना खुद का फ्रेम बनाकर उसमें टेक्स्ट हम लोग कैसे अटैच करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये मैंने एक फ्रेम बनाया है यहाँ पे, देखिए, और इसमें देखिए मैंने टेक्स्ट भी अटैच कर दिया है। तो खुद का अगर फ्रेम आपको बनाना है और उसमें टेक्स्ट को अटैच करना है तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कैसे करेंगे। तो ये जो मैंने बना रखा है, इसे फ़िलहाल मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। अब देखिए यहाँ पर नीचे देखिए मेरे कुछ टेक्स्ट, देखिए एक टेक्स्ट लिखे हुए हैं यहाँ पर, देख सकते हैं टेक्स्ट लिखा हुआ है। अब हम लोग एक फ्रेम बनाएंगे। अब फ्रेम कैसे बनाते हैं, बहुत ही सिंपल है। तो ये देख सकते हैं, ये मेरा टूल बॉक्स आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे देखिए, ये जो फ्रेम टूल्स यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये जो टूल है पॉलीगन फ्रेम टूल, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको खुद से एक फ्रेम, अगर नॉर्मली अगर इस पर क्लिक करके अगर बनाते हैं हम लोग फ्रेम, तो ऐसा फ्रेम बनता है, देख लीजिए इस तरह का पॉलीगन, इस तरह का फ्रेम बनता है। लेकिन अगर अपना फ्रेम बनाना है तो क्या करेंगे, तो इस पर क्लिक करेंगे, उसके बाद फर्स्ट क्लिक कहीं पे भी क्लिक करेंगे, उसके बाद क्लिक करते जाइए। जैसे ये देखिए, ये ऐसा एक फ्रेम बना दे रहा हूँ मैं, ये देखिए इस तरह। आप अपने मन मुताबिक जिस जगह से स्टार्ट किए हैं वहाँ पर ला के आपको एंड करना होगा। तो ये देखिए मेरा एक फ्रेम इस तरह का बन गया, देख सकते हैं। प्लस ये फ्रेम टूल से जब भी आप फ्रेम बनाते हैं तो उसमें आपको इस तरह का एक क्रॉस लाइन दिखाई देगा, मतलब ये एक फ्रेम बन गया। अब सवाल उठता है कि हम ये टेक्स्ट जो है ऊपर, ये जो पैराग्राफ आपको टेक्स्ट दिख रहा है, अब इसे हम लोग इसके अंदर कैसे पुट करेंगे, यानी इसके अंदर अटैच हम लोग कैसे करेंगे। तो क्या करेंगे, पिक टूल पे क्लिक करेंगे, उसके बाद टेक्स्ट के साथ साथ इस फ्रेम को भी हम लोग सिलेक्ट करेंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे, ऐसे ड्रैग कर देंगे, ये देखिए पूरा का पूरा टेक्स्ट भी सिलेक्ट हो गया, प्लस आपका फ्रेम भी देखिए यहाँ पर सिलेक्ट हो गया। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे एलिमेंट में जाना है, जाने के बाद थोड़ा सा नीचे आइए, फ्रेम में आइए, उसके बाद यहाँ पे देखिए अटैच कंटेंट लिखा हुआ है, ये कंट्रोल एफ शॉर्टकट भी दिया हुआ, इस पर क्लिक करेंगे। ये देखिए मेरा वो जो पैराग्राफ टेक्स्ट था यहाँ पे देखिए इस फ्रेम में अटैच हो गया, फिट हो गया, इसके अंदर आ गया। अब सवाल उठता है कि इस फ्रेम को क्या हम लोग कलर कर सकते हैं, जी हाँ इसे कलर कर सकते हैं, प्लस टेक्स्ट को भी कलर कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, इस फ्रेम का आउटलाइन को भी हम लोग कलर कर सकते हैं, प्लस इसका थिकनेस बढ़ा सकते हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे, इसे सिलेक्ट रहने दें, उसके बाद यहाँ पे एलिमेंट में जाइए, स्ट्रोक में जाइए, उसका जो भी आपको अच्छा लगे यहाँ से आप देखिए इस तरह का आप इसका आउटलाइन बना सकते हैं, प्लस आउटलाइन को कलर भी कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे कलर पैलेट आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे जो आपको कलर पसंद है, जैसे मुझे रेड पसंद है तो रेड पे मैंने क्लिक कर दिया, तो ये फिल इसलिए हो गया क्योंकि ये सिलेक्टेड था, फिल वाला अंदर वाला सिलेक्टेड था, तो इसे मैं ऑफ कर देता हूँ। ये देखिए मैं यहाँ से ये बीच वाला है इसे नन कर देता हूँ, ये देखिए खाली हो गया, सिर्फ मुझे आउटलाइन को कलर करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, ये जो स्टाइल के नीचे ये वाला जो लाइन है ये आउटलाइन के लिए, इस पर क्लिक कर दीजिए, उसके बाद जो आपको कलर चाहिए, देखिए आउटलाइन का कलर हो गया। ये हो जाने के बाद अब ये जो आप चाहते हैं अगर अंदर में फिल करना है तो बहुत सिंपल है, आपको क्या करना होगा, ये जो कलर का पैलेट है यहाँ जो क्रॉस दिख रहा है इस पर क्लिक कर दीजिए, उसके बाद अभी देखिए नन दिख रहा है, उसके बाद जो आपको कलर पसंद है यहाँ पे, जैसे मान लीजिए मुझे ग्रीन पसंद है, ग्रीन पर क्लिक कर दिया, देखिए ये कलर यहाँ पर हो गया, देख सकते हैं। अगर कलर नहीं चाहिए तो इसको आप क्लिक करके इसे यहाँ से नन भी कर सकते हैं। अब इस अगर टेक्स्ट को अगर आपको कलर करना है तो सिंपल है, टेक्स्ट टूल पे क्लिक कीजिए और टेक्स्ट को ऐसे ड्रैग करके आप सिलेक्ट कर दीजिए टेक्स्ट को, आप यहाँ से भी इसे कलर कर सकते हैं। देखिए टेक्स्ट को भी मैंने कलर कर दिया। अगर आप चाहते हैं टेक्स्ट को थोड़ा सा फॉन्ट चेंज करना है तो यहाँ पर टेक्स्ट को टेक्स्ट टूल से सिलेक्ट कीजिए और यहाँ पर आपका ये जो कंट्रोल पैलेट है यहाँ पर देखिए कैलिब्री दिया हुआ है, यहाँ पर क्लिक कीजिए। अब जो भी फॉन्ट आपको अच्छा लगे यहाँ से आप चूज़ कर लीजिए, बहुत सारे फॉन्ट हैं, बुक एंटिक करेंगे तो इस तरह दिखाई देगा। आप चाहें तो यहाँ से टाइप में जाइए, यहाँ पे देखिए फॉन्ट दिया हुआ है, यहाँ पे भी डिफरेंट डिफरेंट फॉन्ट्स वगैरह आपको दिख रहा होगा, देखिए यहाँ पे इतने सारे फॉन्ट्स हैं, जो आपको यहाँ पे पसंद है आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। ये मैंने एरियल कर दिया, इसका साइज़ अगर बढ़ाना है तो यहाँ से आप साइज़ वगैरह भी इसका बढ़ा सकते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि अगर आप साइज़ बढ़ाते हैं तो टेक्स्ट मेरा बाहर चला जाता है, तो इस फ्रेम टूल में क्लिक कीजिए, थोड़ा सा फ्रेम को आप ड्रैग करके इस तरह बड़ा कर दीजिए, तो आपका टेक्स्ट ऑटोमेटिकली आपका फ्रेम के अंदर फिट बैठ जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि कैसे हम लोग खुद का फ्रेम बनाते हैं, प्लस
उस फ्रेम के अंदर टेक्स्ट को कैसे हम लोग अटैच करते हैं, यानी कि टेक्स्ट को उसके अंदर कैसे पुट करते हैं, और भी कुछ जानना चाहते हैं Adobe PageMaker 7 से रिलेटेड, तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। और मेरा ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।